और बीच ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, हिजबुल्ला के ठिकानों पर इसराइल ने बड़ा हमला बोल दिया है। हिजबुल्ला के हमलों के खिलाफ पलटवार करते हुए उसके ठिकानों पर इसराइल ने एयर स्ट्राइक कर दी है और IDF ने ये दावा किया है कि हिजबुल्ला के ठिकानों को निस्तो नाबूद कर दिया गया है। इस हमले का इसराइल ने एक वीडियो भी जारी किया। वीडियो में IDF विमान की मदद से हिजबुल्ला के ठिकानों को टारगेट करती नजर आ रही है और पलक झपकते ही हिजबुल्ला के ठिकानों का नामो निशान मिटा दिया गया। और गाजा में इजरायली सेना स्कूल, मस्जिद, अस्पताल और रिफ्यूजी कैंपों पर बम बरसा रही है, जिसके पीछे इसराइल युद्ध के पहले दिन से यह दावा करता नजर आ रहा है कि हमास के आतंकी हमलों से बचने के लिए इन जगहों में पनाह ले रहे हैं ताकि वो इसराइल के हमलों से बच सके। लेकिन दुनिया को इसराइल के दावे पर यकीन नहीं था। खुद हमास भी इसराइल के दावों को खारिज करता रहा था, लेकिन गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान IDF के जवान हर इमारत, स्कूल, मस्जिद और अस्पताल की अच्छी तरह तलाशी ले रहे हैं, जिसमें हमास की पोल खुलती नजर आ रही है। IDF ने ऐसा ही एक वीडियो जारी करते हुए ये दिखाया कि गाजा के एक मस्जिद में टनल पाई गई। इस टनल में हमास ने कई हथियार छिपाए थे, जहां पर एक ड्रोन भी मिला। वीडियो सामने आने के बाद हमास ने अब अल शिफा अस्पताल के नीचे भी टनल होने की बात खुलकर मान ली है।